आप एक खेत में जब खड़े होते हैं तो आपके नीचे जो माइक्रोब्स होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, वही 2 करोड़ होते हैं, आप कौन से 1.25 करोड़ हैं। हर बात पे हम एक एक्सक्यूज ले आते हैं। ये हमारा एक मानसिक, एक साइकोलॉजिकल, हमारी ये चीज एक आदत सी बन गई है। हम हर चीज में कहते हैं अरे वो जंगल कट गए, नहीं आबादी बहुत है, गंदगी हो गई, क्या करें आबादी बहुत है, ये ठीक नहीं हुआ देश में, क्या करें आबादी बहुत है। क्यों? चाइना में तो हमसे डबल आबादी है, उन्होंने तो उस चीज को रिसोर्स बना लिया, उन्होंने अपनी ताकत बनाई उस चीज को, और वो एक एक व्यक्ति वहां पर काम कर रहा है। हम जब चाइना गए तो इतनी हैरानी हुई, किस तरह से वहां का एक छोटा बच्चा भी किस तरह काम करता है, कितना कितना 12-12 घंटे काम करते हैं और इतने लग के काम करते हैं। तो ये जो एक हम बहुत बड़ा अपने आप को, हम अपने आप को जो बेवकूफ बनाते हैं ये कह के कि क्या करें जी हमारे देश में आबादी बहुत है। भाई साहब, ये आबादी हमारी हैंडीकैप नहीं है, ये हमारी स्ट्रेंथ है। दुनिया का सबसे ज्यादा जो जवान बच्चे हैं वो हमारे देश के अंदर हैं, और इस देश के जो जवान बच्चे हैं ये तो पूरे के पूरी आपका फ्यूचर को बदल के रख सकते हैं। और ये मैं बार बार ये बात बोलता हूं, हमारे पास सिर्फ 2030 तक का टाइम है, वो भी मैं ज्यादा स्ट्रेच करके बोल रहा हूं। आज हम 2018 में दोस्तों खड़े हैं, 12 साल हमारे पास है, 12 साल भी तभी होंगे अगर हम ये आने वाले 2-3 साल के अंदर कोई नेशनल इमरजेंसी, एकदम नेशनल लेवल पे बहुत टॉप प्रायोरिटी पे अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को, अपने जल को, अपने पानी को वापस लेके आए। और इसका सलूशन सिर्फ 2 हैं, केवल 2 तरीके हैं, या जंगल है और दूसरा है जैविक खेती, जैविक खेती और जंगल और एग्रोफॉरेस्ट्री, वो तो साइड में रह गया, लेकिन जैविक खेती और जंगल, ये केवल 2 चीजें हैं जिससे कि हमारे जलाशय, हमारे नदियां बच सकती हैं, हमारा जल बच सकता है और हमारी हवा ठीक हो सकती है। आप जानते हैं दिल्ली में कितने लोग मरे पिछले साल एक्सीडेंट से, कितने लोग मरे? 17,000 लोग, 17,000 लोग केवल दिल्ली स्टेट में, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड पे, अंदर कॉलोनियों में, ये किसी ने हेलमेट नहीं पहनी, किसी में कोई ट्रक जा रहा था सरिया घुस गया, किसी का कुछ, किसी का ये एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट, किसी की सीएनजी में आग लग गई, किसी के इंजन में आग लग गई, वो अंदर ही रह गए, दरवाजा ही नहीं खुला, इस तरह के 700 लोग तो दिल्ली में कार में ही बैठे बैठे मर गए। कार भी कभी कभी मुझे लगता है परमात्मा कोई ना कोई ऐसा गैजेट बना देता है और पॉपुलेशन के अंदर डाल देता है कि हमारी आबादी जो है ना वो ठीक रहे। लेकिन सबसे ज्यादा लोग कैसे मरे हैं आप जानते हैं? हवा से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो डेटा है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 5,76,000 लोग, 5,76,000 लोग सिर्फ दिल्ली में, केवल दिल्ली में पल्मोनरी डिसऑर्डर के कारण मरे। पल्मोनरी डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जो आपके फेफड़े होते हैं, जो आपके फेफड़े हैं उसमें जो बीमारियां होती हैं उससे मरे। एक ये कितनी दर्दनाक बात है कि हम, अच्छा, और वैसे हम टेररिज्म की बात करते हैं, टेररिज्म हम सोचते हैं कि जो उग्रवाद है वो सिर्फ पता नहीं बाहरी देश से आएगा, कोई आएगा हमें गोली मार देगा, कोई आएगा हमें बम छोड़ देगा। हम इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो देते, इन चीजों के ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते कि हवा हमें मार रही है, पानी हमें मार रहा है। हिंदुस्तान में 1.25 करोड़ लोग हर साल मरते हैं पानी से। हम पानी को अपना क्यों नहीं ठीक कर पा रहे, हम अपनी मिट्टी को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे, हम अपने जंगलों को वापस क्यों नहीं लेके आ रहे? और इसमें तो कोई ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, इसमें तो सिर्फ जन आंदोलन चाहिए। देखिए हर काम सरकार का नहीं होता, सरकारें आएंगी साहब, सरकारें जाएंगी। मैं तो समझता हूं, मैं जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मैं लोगों को कहता हूं कि अगर मैं कहीं प्रधानमंत्री होता, ऐसे सरसरी बात कह रहा हूं, तो मैं सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान का मैं उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मानता। यू नो भाई, क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। आप, मैं तो कहता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को कि भैया 5 साल के लिए देश को संभालो, तुमको जो करना है तुम करो, हमारी नदियों को ठीक करो, हमारे जंगलों को ठीक करो, हमारी मिट्टी को ठीक करो, हमारे जलाशय को ठीक करो। अरे जब हवा पानी ही नहीं रहेगा तो हम
हम किस चीज की जीडीपी ग्रोथ और कौन सी इकोनॉमिक सुपर पावर, और ये हमने चाइना को कर दिया, हमने उसको कर दिया, हमने रशिया को कर दिया, अमेरिका को कर दिया, भाई साहब उनको परवाह ही नहीं आपकी, दुनिया देखकर आ गए हम, कोई कोई नहीं परवाह करता, ये हम ही अपना लगे रहते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे क्या कर दिया, अपना हवा पानी तो ठीक कर लीजिए, हवा पानी तो हम ठीक नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को तो हम बचा नहीं पा रहे। मैं इस चीज में बहुत थोड़ा उत्तेजित हो जाता हूं, क्योंकि जब मैं रोज मर्डर देखता हूं, ये टेररिज्म है। हम अपने ही बच्चों को, हमारी पूरी जवान पीढ़ी, आप पंजाब आकर देखिए, आप केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें, यहां किस लोगों ने हाथ खड़ा किया, केमिकल फर्टिलाइजर क्या कर सकता है एक जाति को, आप आके पंजाब में देखो, 6 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित हैं, 6 करोड़ लोग कैंसर से, वहां के सबसे बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट, सबसे बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट अमर सिंह आजाद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर पटियाला डिस्ट्रिक्ट के रहे। मैंने एक दिन उनसे जाके पूछा, मैंने कहा सर ये कैंसर का क्या, कहता अरे पीपल बाबा मैं कब तक दवाइयां लिखता रहूंगा, जब हमारे पंजाब की हवा ही ठीक नहीं, जब हमारे पंजाब की मिट्टी ही ठीक नहीं, 40 फुट के बाद तो जहर उगलती है ये जमीन, 40 फुट से नीचे, आप 400 फुट के नीचे वहां पानी ही नहीं है, पानी ही नहीं है। एक जमाना था, मैं जानता हूं क्योंकि मेरी मदर अमृतसर की हैं, मेरे फादर जोधपुर के हैं, हम अमृतसर में हाथ से ऐसे ऐसे किया करते थे, 4.5 फुट पे पानी निकाल लेते थे, और आज 400 फुट पे भी वहां पानी नहीं है। तो हम सोचते हैं कि हम लैपटॉप कौन सा खरीदें, आईफोन का नया मॉडल आ गया, सैमसंग S9 को कंपेयर करते हैं दूसरे, अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो सर, ये स्मार्टफोन लैपटॉप टेक्नोलॉजी बड़ी बड़ी बातें बुलेट ट्रेन और ये वो, अरे कहां जाओगे इनको लेकर, अपना हवा पानी ठीक कर लीजिए पहले, आप बात समझ रहे हैं। अरे जब हमारा हवा पानी ही ठीक नहीं है तो जाएंगे कहां, रहेंगे कहां, आज हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम विरासत में क्या देखे जाएंगे। मैं पीपल बाबा आज 53 साल का, मुझे नहीं मालूम 5-6 साल और जी लूंगा, 60 साल और जी लूंगा, उसके बाद मैं तो रहूंगा नहीं, लेकिन मैं मित्रों यही एक चीज संदेश और यही चीज नॉलेज डाउनलोड करके जाना चाहता हूं, जो हमने 40 साल सीखी। मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बोलता हूं, आपको कहीं भी जन संवाद आए, कहीं भी आपको जन आंदोलन चलाना हो, कहीं आपको कुछ है, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा पूरी लाइफ इस चीज को समर्पित है, मैं गांव गांव जाके मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं लोगों को समझाऊंगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई साहब अब ईंट पत्थर के मंदिर बनाना बंद करो, वृक्षों के मंदिर बनाओ, ईंट पत्थर के मंदिर आपको ऑक्सीजन नहीं देंगे, आपके बच्चों का करियर नहीं बनाएंगे, आपके बच्चों की सेहत नहीं देंगे, आपको दाल रोटी नहीं देंगे, वो 2-4 पंडितों को दे देंगे, आपको नहीं देंगे, लेकिन आप वृक्षों के मंदिर लगाइए। वैसे क्या बात है ना, एक ईंट का बना हुआ मंदिर जब गिरता है तो हमें कितना वो होता है, आक्रोश होता है, पूरे हिंदुस्तान में मार धाड़ पड़ जाती है, लेकिन जब हमारी हिंदू संस्कृति का पीपल और बड़ खरबों में काटे जाते हैं, हम में से कोई चू तक नहीं करता, हमें से कोई चू भी नहीं करता। जो जीवित खुदा है, जो जीवित परमात्मा है, जो लिविंग गॉड है, वो तो हमारा वृक्ष है, वो हमारे जंगल है, जंगल है तो हमारी नानी कहा करती थी सब कुछ मंगल है, जंगल है तो सब कुछ मंगल है। बाहर गए थे तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट रैडक्लिफ ने किताब भी लिखी है, आप में से कुछ लोग जो गूगल पे हैं, अमेज़न पे आप ले सकते हैं, सेलेस्टियल प्रोफेसी नाम की एक किताब है, उन्होंने उसमें साफ लिखा है 2030 तक जो कम्युनिटी, जो गांव के लोग, जो शहर के लोग, जो लोग गांव के जो जंगल के पास रहते हैं या जंगल के अंदर रहते हैं वो लोग जिंदा रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग 2030 तक पेड़ों के समूह के पास रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं वही लोग जिंदा रहेंगे, बाकी सारी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है कैसे खत्म हुई, सब लोग सोचते थे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, उसने मरवा दिया, बहुत सारे लोग आए, चंगेज खान ये वो सब आए, उन लोगों ने मरवा दिया था उनको। नहीं सरकार, आप ध्यान से पढ़िए, अब तो साइंटिफिकली प्रूवन हो गया है कि वहां बारिश खत्म हो गई थी,
हरप्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। आज बारिश खत्म होती जा रही है,